हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको प्रोनाउन यानी सर्वनाम क्या है ये पढ़ाने चल रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये सभी एग्जामों में आता है और हर जगह इसका उपयोग है। आम भाषा में आप जब छोटी छोटी इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस यूज करते हैं, तो वहाँ पर प्रोनाउन का उपयोग होता है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आपको सर्वनाम की तरफ ले चलते हैं। देखिए, प्रोनाउन यानी सर्वनाम कह रहा है अंग्रेजी में इसकी डिफिनेशन, एनी वर्ड दैट यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ नाउन और यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। मतलब कोई भी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे रमेश इज एबसेंट, वी कैन यूज ही इंस्टेड ऑफ रमेश। इफ़ वी डू नॉट वॉन्ट टू रिफर एनी पर्सन, प्लेस और थिंग बाई नेम, देन वी यूज द वर्ड्स लाइक ही, इट सी, दे, इट इज इंस्टेड। आप नेमिंग वन ऑफ देम, द वर्ड्स दैट आर यूज इन द एब्सेंस ऑफ द नाउन्स आर टर्म्ड एज प्रोनाउन। मतलब जैसे कि रमेश इज एबसेंट, रमेश एबसेंट है, तो रमेश के स्थान पर कौन एबसेंट है, वह एबसेंट है, तो रमेश के स्थान पर हम ही लिख सकते हैं। तो जो हमारा ही होगा वो हमारा सर्वनाम होगा। अब प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड एज फॉलो, मतलब प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और नीचे दिए गए हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ये जितने आपके प्रोनाउन हैं, ये 10 प्रकार के प्रोनाउन दिया गया है। अब हम 10ों को क्रम से जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सन प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन, वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष का बोध कराते हों व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई, वी, यू, सी, ही, सी, इट, दे, इटीसी। ये जो हमारे हैं ये कौन से हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। याद कर लीजिए, आई, वी, यू, सी, ही, इट, दे, इटीसी, ये जो हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे आर पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दीज आर स्टैंड फॉर थ्री पर्सन। पर्सनल हु स्पीक्स, जो स्वयं कुछ कहते हैं उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। पर्सन स्पोकन टू, जिसने कुछ कहा जाए उसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। पर्सन स्पोकन आप जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में देखिए कौन कौन से आते हैं, आई, वी, ऑब्जेक्ट में आता है मी, एस, पैसिव वॉइस में आता है, पैसिव केस में माई, माइन, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन में यू आता है, ऑब्जेक्ट में भी यू आता है और पैसिव में योर, योर्स आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आते हैं, हु आता है और ऑब्जेक्ट में हिम, हर, इट, देम, होम आता है और पैसिव में ही जाता है, हर, हर्स, इट इस, इट्स, दियर, दियर, दियर्स, हुज, ये सब आते हैं। अब है दूसरा, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम जिसको हिंदी में बोलते हैं। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स अगेन दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यदि करता, यदि स्वयं के लिए कार्य करता है तो उसे हम सेल्फ द्वारा प्रकट करता है, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम को क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट जो है आई, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। वी का आवर सेल्फ होगा, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वन का वन सेल्फ। अब एग्जांपल में, राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है, तो राजेश सीचेज द क्लोथेज हिम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर आल्सो यूज टुगेदर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर आल्सो टुगेदर, कहाँ पे है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अभी आपने देखा कि राजेश वस्त्र स्वयं सिलता है, तो राजेश सिचेज द क्लोथेस हिमसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर आल्सो यूज टुगेदर विथ द प्रीपोजिशन बाई टू गिव मीनिंग ऑफ एलोन और विदाउट हेल्प। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बाई प्रीपोजिशन लगाकर भी किया जाता है, जो अकेला या बिना सहायता का अर्थ देता है। मतलब जो व्यक्ति अकेले स्वयं काम करता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपने देखा भी, तो आगे है कि राजेश बिना सहायता के वस्त्र स्वयं सिलता है, तो राजेश सीचेस द क्लोथेज बाई हिमसेल, बाई लगा दिया गया ना। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर्स टू द सब्जेक्ट इफ इट इज यूज्ड आफ्टर नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक्स ऑफ
एम्फेसिस एंड इज देयर फॉर नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। जब कर्ता पर जोर दिया जाए तो सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के ठीक बाद में किया जाता है। राजेश स्वयं वस्त्रशीलता है, तो राजेश हिमसेल्फ स्टिचेज द क्लोथेज। अब तीसरा है डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, मतलब ऐसे सर्वनाम जो हमें संकेत करते हैं वो संकेत सर्वनाम कहलाते हैं। दिस प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रिफर एंड आर द देयर फॉर नोन एज डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करें संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल में यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, तो दिस जो है डोमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, वह क्या आवाज़ थी, व्हाट वाज दैट नॉइज, तो दैट भी है। यह इससे अच्छा है, दिस इज बेटर देन दिस, तो दिस। यह चित्तौड़गढ़ का किला है, दिस इज द फोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और चित्तौड़गढ़। वे जूते आपके हैं, दोज शूज आर, तो दोज है दिस दैट, ये सब जो आए ये सब हमारे संकेतवाचक सर्वनाम थे। अगला है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन दैट रिफर टू पर्सन और थिंग इन जनरल वे बट डू नॉट रिफर इन पार्टिकुलर आर कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। एनी बॉडी, एनी वन, एवरी बॉडी, ईच, सम, फ्यू, मेनी, ऑल, अदर्स एंड एवरी वन आर इंडिफिनिट प्रोनाउन। किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाला सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, दूसरों का भला करो, डूवेल टू अदर्स, थोड़ा दूध फट गया, सम मिल्क वाज स्पिल्ड, कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट, बच्चों को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था, नो बॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, कुछ लोग को सुरक्षित बचा लिया, फ्यू स्क्वेड अनहर्ट। तो आप देख रहे हैं फ्यू, सम, नो बॉडी, सम और डूवेल, ये सब जो जितने आए ये हमारे क्या थे, ये हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित सर्वनाम थे। तो चलिए अब अगला हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब विभाज सूचक सर्वनाम, ऐसा मतलब जिसको बंटवारा किया जाए विभाग में। दिया है दिस प्रोनाउन रिफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर दिस रीजन दीज आर ऑलवेज सिंगुलर, जैसे काका आएगा, ईच आएगा, आइदर आएगा, नाइदर आएगा, एनी, नो वन एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नो वन एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अगर ये सब आते हैं तो समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। विभाग सूचक सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं। आगे देखिए, व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग करने वाले सर्वनाम विभाग सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, दोनों में से कोई एक छात्र घर जा सकता है, आइदर ऑफ टू स्टूडेंट कैन गो होम, आई आइदर आया, तो ये हमारा हो गया। अब है रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। ए प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ नाउन इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंध प्रकट करता हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, तथा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन रिलेटिव प्रोनाउन, हु नॉमिनेटिव है, पर्सन में होम, एक्यूसेटिव है, हुज पैसिव या जेनिटिव है, एनिमल्स एंड थिंग में विच दैट लगेगा, टाइम प्लेस में व्हेन, ऑन विच, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं वेयर जैसे। तो एग्जांपल, तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते रहते हो वह मेरा भतीजा है, यू ऑलवेज स्कॉल्ड द बॉय हु इज माई कजिन। अब देख रहे हैं ना, अगला है मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ उसे तुम अच्छी तरह जानते हो, आई टीच द बॉय होम हु नो वेर एल, तो होम जो है हमारा ये कौन सा है, अभी हमने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन, तो होम माने रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला है वह लड़की है जिसके पिता कर्नल हैं, तो दैट इज़ द गर्ल हुज, अब फादर इज कर्नल, तो मतलब हुज जो शब्द आया है ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तुमने जो किताब मुझे दी थी वो यहाँ है, तो हेयर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, मतलब आपने जो किताब हमें दी थी वो यहाँ पे है। तो इसमें जो होम के शब्द के यू आई बाट है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाएगा। जिस दिन वह यहाँ आया रविवार था, मतलब जिस दिन आप आए थे उस दिन रविवार था, तो द डे व्हेन, अब व्हेन जो आया है वे रिलेटिव प्रोनाउन है, ही केम वाज संडे, तुम तूफान आने वाले दिन यहाँ वह यहाँ आया था, तो द डे ऑन विच, अब विच जो आया रिलेटिव प्रोनाउन है, ही केम हेयर वाज स्टॉर्मी, यह वही स्थान है जहाँ लोग घूमने आते हैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर पीपुल कम फॉर पिकनिक, राम वही वह व्यक्ति था जिसने मेरी सहायता की, राम वॉज द ओनली मैन हु हेल्प्ड मी। अब सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे प्रोनाउन विच यूज फॉर एक्शन क्वेश्चन इज टर्म इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है।
एग्जाम्पल में तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो जो व्हाट है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। व्हाट इज द मैटर, ये भी प्रश्नवाचक मैटर है। तुमने किनको देखा, होम डू यू सी, तो होम व्हाट ये सब क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं, तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह किसकी किताब है, होज बुक इज दिस, तो होज भी के जो है क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब टू होम इन मेटी कॉन्सर्ट, तो टू होम भी है। अब आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम, ए प्रोनाउन विच रिलेट्स टू आर मोर पर्सन आर थिंग कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में परस्पर संबंध बताने वाला सर्वनाम परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल, छात्रों ने एक दूसरे की सहायता की, द स्टूडेंट हेल्प्ड ईच अदर, दो लड़कों ने आपस में उपहार दिया, टू बॉयज गेव गिफ्ट्स टू अनदर। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयाद बोधक सर्वनाम, ए प्रोनाउन यूज एज एन एक्सक्लेमेशन इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयाद बोधक सर्वनाम कहलाते। एग्जाम्पल, क्या आप मुझे नहीं जानते, व्हाट यू डू नॉट नो मी, क्या आप अभी तक यही हो, व्हाट यू आर स्टिल हेयर। इम्पर्सनल प्रोनाउन अब क्या होता है, आप व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं जानवरों व छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, यदि आप इस साइकिल को चलाओगे तो यह टूट जाएगी, इफ़ यू ड्राइव दिस बाइसाइकिल इट विल ब्रेक, तो वह अपने कुत्ते से प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट लिव विदाउट इट, जब मैंने बच्चों को देखा तो वह रो रहा था, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, तो समय दिन दिनांक मौसम के बारे में जानकारी देते समय इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, कल बहुत ठंड थी, इट वॉज वेरी कोल्ड स्टर्डे, अभी 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock नाउ, आज रविवार है, इट इज़ संडे टुडे, आज 11 मई है, इट इज़ 11th of May टुडे। संज्ञा सर्वनाम पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने विरोध किया, इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, अव्यक्त क्रियाओं के कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ ब्रेक डार्कनिंग, अस्थायी कर्ता के रूप में इट का प्रयोग टू बी से क्रिया से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, गलती ढूंढना आसान है, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, यह निश्चय है कि तुम गलत हो, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। तो धन्यवाद स्टूडेंट, ये आपका प्रोनाउन समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो।